हम लोग नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे लस और मस, लघुत्तम समाप और तो महत्तम समाप। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रतिवर्ष आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो कोई भी ऐसा वर्ष नहीं है जिस वर्ष ऐसे परीक्षा में प्रश्न ना आए, मैंने प्रत्येक वर्ष यहाँ से प्रश्न आते हैं। प्रश्न आने बहुत बड़ी बात नहीं, उसको आपको सॉल्व करना ये बहुत बड़ी बात है। तो उसमें दो टॉपिक को पढ़ लेते हैं, और फिलहाल जो प्रश्न आते हैं अभी तक तो बहुत कड़े प्रश्न तो नहीं आए, किंतु जो भी प्रश्न आए हैं या जो प्रश्न अभी तक आए हैं हम लोग प्रयास करेंगे थोड़ा सा बेहतर जानने का प्रयास। क्योंकि दिक्कत ये होती है लसर मसर पढ़ने के लिए हमें प्रश्न आते हैं, प्रश्न साल भी कर लेते हैं, किंतु कभी कभी प्रश्न ऐसे होते हैं हमें ये नहीं समझ में आता लसर निकालना है कि मसर। जब ये कंडीशन आती है तो हमारे उत्तर गलत हो जाते हैं। हम 10 बार क्वेश्चन पढ़ते हैं अगर उसमें यह नहीं दिया है लसर निकालना है कि मसर, तो हम गलती कर जाते हैं। हम माने आप सब, हम भी ठीक, उसमें हम भी अपने आप को सम्मिलित कर लेते हैं। अब लस और मस में शुरुआत में सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब है फैक्टर या डिवीजन। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी हिंदी कम समझ में आती है लेकिन इंग्लिश ज्यादा समझ में आती है। डिवीजन माने या फैक्टर जो विभाजित करे, जैसे 18 का आकार पूछ दिया फैक्टर तो क्या होगा, 18 को विभाजित कौन कौन करेगा, 1 से 2 से 3 से 6 से 9 से 18 से, ये डिवीजन है। तो ये हो गया 18 के अपवर्तक। दूसरा होता है समापवर्तक, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर माने सेम चीज हो जो दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित करे, उन्हें क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर कहते हैं। जैसे 12 और 18, 1 से भी 12 18, 2 से भी 3 से भी और 6 से भी, तो ये इसके हो जाएंगे समापवर्तक। तो इसीलिए कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है महत्तम समापवर्तक, इसे मस कहते हैं। ठीक, तो मस का फुल फॉर्म पता है, मतलब मस को SCF करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही है SCF, उसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन डिवीजन। ठीक, दोनों का मतलब एक ही होता है, समझ में आ रहा है आपको। ये अपवर्तक है, ये समापवर्तक, ये केवल किसी एक नंबर के लिए है, ये दो या दो से अधिक संख्या के लिए, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत यहां तक, आगे पढ़ा जाए। अब लस और मस को हम ये प्रयास करेंगे अलग अलग पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, खासकर परीक्षाओं में। तो हम ये प्रयास करेंगे कि आपको लस मस इस तरह से पढ़ाया जाए कि भविष्य में दोबारा पढ़ना ना पड़े, भविष्य में दोबारा पढ़ना ना पड़े। इसके लिए आज तो मैं बेसिक लस मस बताऊंगा, कल आप लोग आने से पहले एक बार आप विभाज्यता का नियम रूल ऑफ डिफिकल्टी याद करके आइएगा, उसके बाद चाहे जितने भी कड़े प्रश्न हो आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं। क्या उठाए, बिना पेन उठाए कर लेंगे। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे इसे। क्या आप लोग को लस और मस निकालना आता है, क्योंकि नहीं आता होगा पहले मुझे बेसिक बतानी पड़ेगी फिर मैं और आगे बढ़ूंगा। तो लस मस निकालना कितने लोग को आता है, लस मस नहीं आता कोई बात नहीं, गुणनखंड आपको आता है कि नहीं, कि महत्वपूर्ण है गुणनखंड, गुणनखंड आता है। जैसे 16 का गुणनखंड करना हुआ तो क्या करें, ये भाग विधि है, भाग विधि से गुणनखंड निकलता है। तो क्या करेंगे, पहले 16 को काटेंगे, तो विभाज्यता का नियम आपने पढ़ लिया, आपको विशेष बताना नहीं है, किससे कटेगा ये, 2 से, 2 से विभाजित किया कितना आएगा 8, फिर 2 से विभाजित किया तो, फिर 2 से विभाजित किया तो, फिर 2 से विभाजित किया तो मिला क्या, 2 × 2 × 2 × 2 = 2। ये होता है 16 का गुणनखंड, माने 2 × 2 × 2, ये समझ में आ गया। अगर आपको गुणनखंड करने आता है तो आपके लिए लस और मस सबसे सरल जगता है, सबसे सरल अध्याय है। क्या है, सबसे सरल अध्याय अगर आपको ये आते हैं लस और मस। ठीक, और आगे बढ़ा जाए, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। 24 का अगर आपको निकालना हुआ तो क्या करेंगे, 24 का 2 से डिवाइड किए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 6, 2 × 3 = 2, 2 × 4 = 8, 3 = 24। तो 24 का ये हो गया गुणनखंड। अगर गुणनखंड आपको आता रहेगा
तो एक अध्याय आपको मिलेगा कर्णी वर्गमूल और धनमूल, तो इसका प्रयोग आप वहां कर, मतलब जरूरी ये नहीं होता कि किसी भी गणित में एक चीज का प्रयोग केवल एक ही जगह हो, इसका प्रयोग अभी आपको और बताएंगे, भिन्न पढ़ने में भी इसका प्रयोग होता है। आगे बढ़े, ये स्वयं के गुण खंड करना, याद किसी को डाउट नहीं है ना, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये अगली बार जब ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं गुणनखंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? कि मुझे पता है आपके पास करके रखे हैं, हम 16 आएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 = 16, 24 आएगा 2 × 2 × 2 × 3, तो आप मत कहिएगा कहां से आया, वो आपकी जिम्मेदारी है। अब हम पहले निकालते हैं एससीएफ पढ़ते हैं या मैसा पढ़ने का प्रयास करते हैं। मैसा को ही कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, एससीएफ। और हम निकालने का प्रयास करेंगे 24 का एचसीएफ। मैंने फुल फॉर्म इसलिए बोल दिया कि कई परीक्षाओं में इसका फुल फॉर्म पूछा, तो अगर आपसे पूछ दिया 24 का एचसीएफ निकालिए, 24 का 16 और 24 का, तो इसकी निकालने की कितनी विधियां हैं पता है आपको? इसके निकालने की 3 विधियां, वीडियो देखा आपने, कौन कौन विधियां हैं? हाँ, अपवर्तक विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो इसको पहले जानने का प्रयास करते हैं। 16 को गुणनखंड अगर आप करेंगे तो पहले निकालते गुणनखंड विधि, सबसे सरल विधि, सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो ये हो जाएगा 16 का 2 × 2 × 2 × 2, 16 का हो गया 2 × 2 × 2 ×, अब 24 का करेंगे 2 × 2 × 2 ×, जो दोनों में होता है, इसका फुल फॉर्म पता है एचसीएफ का? एचसीएफ का फुल फॉर्म आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है जो दोनों में हो, जो किसमें हो? दोनों में। दोनों में कौन कौन है? 1 2 यहां मिला, 1 2 यहां मिला, 1 2 यहां, माने 2 × 2 × 2 = 8। तो हम लिख सकते हैं 16 और 24 का जो HCF है, HCF वो कितना है आपका? माने 8 हुआ बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे 16 और 24 दोनों पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, माने 8 वह सबसे बड़ी संख्या। अब प्रश्न उठता है क्या 2 से नहीं कटेगा? कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। तो क्या इसके 3 मैस हो सकते हैं? 2 भी 4 भी 8 भी। अब 8 ही क्यों होगा? क्योंकि क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माने वो सबसे बड़ा कौन है जो दोनों को विभाजित करे। तो हम ये पाते हैं कि 8 वह सबसे बड़ा नंबर या मार्क है जो इन दोनों को क्या करेगा? डिवाइड, ठीक, समझ आ रहा है ना? ये दोनों को डिवाइड कर, समझ रहे हैं ना आप लोग? जो दोनों को काट दे, दोनों को डिवाइड कर दे, 8 हो गया। यह विधि हो गई गुणनखंड। अब आते हैं कौन सी विधि, अगली विधि पढ़े, कौन सी विधि अगली? हाँ, अपवर्तक विधि। हाँ, अपवर्तक विधि में क्या है? 16 का अपवर्तक, 16 का अपवर्तक क्या क्या होगा? 16 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। 24 को देखते हैं, 24 1 से भी कटेगा, 2 से, 3 4 6 8 12 24। अब इन दोनों में वह सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो दोनों में है, माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? तो हम देखते हैं 1 1 दोनों में, और आगे चलते हैं 2 2 दोनों में, और आगे चलते हैं 3 इसमें नहीं है, 4 4 दोनों में, फिर देखते हैं 8 8 दोनों में, यहां खत्म है 16 है, 16 इसमें है। तो अब हमको क्या मिला? 8। तो इसका जो मैसा होगा एचसीएफ हो गया 8 हो गया, कितना हुआ? 8 हो गया। ये हो गया कौन सी विधि? अपवर्तक विधि, ठीक। और आगे बढ़ा जाए, चलिए अब हम लोग देखते हैं भाग विधि। भाग विधि में 16 24 का आपको एचसीएफ या मैसा निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग तो नहीं लगाना है हमें,
बस बड़े में छोटे से भाग देना है। तो बड़ा क्या है आपका, 24 में हमने 16 से डिवाइड किया, 16 का 16, 24 में 16 गया, 8 बचा। अब इस 8 में जो ये 8 बचा है क्या करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे, 8 दुना, तो ये हमें प्राप्त हो गया। हमने क्या किया, बड़े संख्या में जैसे आज चमक रहा है, नीचे देख लेते हैं, 16 से क्या किया मैंने, 24 को डिवाइड किया, 16 का 16, 8 बचा, 8 से 16 को डिवाइड किया, 8 कट गया, ये आपका क्या हो गया, 8 आपका एचसीएफ, माने 8 वो सबसे बड़ी संख्या है जो 16 24 दोनों को विभाजित कर सकती है। समझ आ गया, तो ध्यान समझ लीजिए इसको, फिर नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बताए, नोट करिए फिर मैं सगा। ये अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसका प्रयोग कई जगह करूंगा, आप भी देखेंगे कहेंगे हाँ वास्तव में ये बेहतर है। और मैं प्रयास कर रहा हूँ आप सभी के लिए, फोर्थ सेमेस्टर के लिए अभी से प्रयासरत हूँ, फोर्थ सेमेस्टर की मैं जल्दी आप सबको वीडियो बना के दूंगा। आप लोग बहुत सारे लोग परेशान हैं गणित को लेके, तो उनके लिए मैं जल्दी गणित अंग्रेजी दोनों की व्यवस्था मैं एक दो दिन के अंदर ही करता हूँ, क्योंकि जो ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं उनको भी ये सभी नहीं मिल पा रही है, मैं एक से दो दिन के अंदर उनके लिए व्यवस्था करता हूँ। हो गया, आगे बढ़े। चलिए ये था तो आपका मर्सर निकालने की विधि। अब हम लोग पढ़ते हैं लेसर के लिए। तो एलसीएम का फुल फॉर्म आपको पता है किसी को, एलसीएम का फुल फॉर्म अपवर्त मल्टीपल समापवर्त कॉमन मल्टीपल, इन दोनों को एक बार पढ़ लिया जाए। इसी को हम कहते हैं गुणज, मल्टीपल का माने होते गुणा या गुणज। अगर कह दिया जाए 6 का अपवर्त क्या है, 6 का अपवर्त क्या है, 6 का अपवर्त क्या होगा, 6 का 6, 6 दुना 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 36, अपवर्त माने मल्टीपल, गुणज पहाड़ा, इसी को कहते हैं मल्टीपल माने पहाड़ा टेबल, इसी को कह सकते हैं आप। अब समापवर्त माने कॉमन मल्टीपल, माने दिया गया संख्या जिनको विभाजित करे, ध्यान दीजिएगा ये अपवर्त हो गया, ये क्या करें इनको विभाजित करना है, 6 का अपवर्त क्या है, 6 12 18 24 30, यहां दो या दो से अधिक संख्याएं यदि विभाजित करती हैं तो उनके लिए जरूर लग रहा है। अब कौन कौन सी देख लिया जाए, अब यहां हमको देखिए आपको, जैसे 12 और 15 का या 12 और 16 का 48, 96, 144। अब 48, 96, 144 क्या है, समापवर्त, इन दो दो या दो से अधिक संख्या जो विभाजित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समापवर्त कहलाते हैं। बहुत बेसिक समझिएगा, माने ये इनको विभाजित कर, इन दोनों के टेबल से हो, ठीक, इसीलिए पढ़ते हम लोग लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम माने सबसे छोटा, समापवर्त माने जो विभाजित हो। अगर कहता 12 16 का लघुत्तम समापवर्त,
लघुत्तम ये, लघु माने सबसे छोटा, समापवर्त माने विभाज्य, तो सबसे छोटा विभाज्य क्या होगा? तो 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्त 48। समझ आ रहा है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। अब होता है एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म बताएगा, एलसीएम का फुल फॉर्म। हाँ, एलसीएम का फुल फॉर्म बताइए जरा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये पूछ सकता है, पूछा भी है ये सीटेट में, इसलिए इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। अब हम वही संख्या लेते हैं जिसका तभी हम लोग लगाए थे। क्या क्या लिए थे हम लोगों ने? 16 और 24 का क्या निकालना है आपको? इसका निकालना है हम लोग को LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 16 और 24 का। तो इसकी भी तीन विधियां हैं। पहली विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि लिखेंगे, 16 का गुणनखंड क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 2। 24 का 2 × 2 × 2। अब एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें देखेंगे कि दो जो 16 का गुणनखंड हुआ है वहां 2 4 बार है, 2 × 2 × 2 × 2, जबकि 24 में 3 × 2 है, 1 × 3, 2 × 2 = 4 × 8 = 24। तो इसमें हम लोग करते क्या है, जो ज्यादा बार है उसको लिख लेते हैं। तो हमें दिखता है 16 में 4 बार है, 4 बार वाला लिख लिए, 4 बार है ना, 2 × 4 × 8 × 2, यहाँ 4 बार, यहाँ 3 बार, तो जो ज्यादा बार उसको लिखते हैं। बचा क्या अभी? 3 किसी में नहीं है, एक जगह है, तो प्राप्त हो गया 48 48। तो हो गया 16 और 24 का जो एलसीएम है वो कितना है? 48। दूसरी विधि गुणनखंड विधि होती है, देखा जाए गुणनखंड विधि। हाँ, अच्छा गुणनखंड है, भाग विधि। अब भाग विधि कैसे लगाएं? देखिए, ये हो गया 16, ये हो गया, ये बहुत पुरानी विधि, ये सब जानते हैं, ये विधि सब जानते होंगे, ऐसा नहीं है कोई ऐसा भी हो जो यह विधि न जानता हो। अब 16 24 का निकालना है, तो इसको ऐसी संख्या से काटिए जो 16 भी कट जाए और 24 भी। तो 2 से काटा हमने, 2 से काटा, 2 × 8 = 24 = 12, फिर 2 से काटा 4 6, फिर 2 से काटा 2, फिर 2 से काटा 1 3, फिर 3 से काटा 1 3। तो हमें मिला क्या गुणनखंड में? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 = 48। तो 16 और 24 का भाग विधि से जो एलसीएम प्राप्त हुआ वो भी हो गया 48। ये तब तक काटते हैं जब तक हमें एक एक न प्राप्त हो जाए। अब प्रयास करते हैं पहले सबसे छोटी संख्या से काटने का, समझ में आ रहा है? इससे बेसिक नहीं बताया जा सकता। अब इसकी एक और विधि होती है, समापवर्त विधि या अपवर्त विधि। ठीक, समापवर्त कहेंगे, अपवर्त नहीं कहेंगे, क्योंकि अपवर्त किसी एक का होता है, समापवर्त तो या तो से अधिक। तो लघुत्तर समापवर्त लश है, तो यहां भी देख लिया जाए इसका। अब इसका मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल निकाले, तो 16 का पहले अपवर्त क्या होगा? 16 का अपवर्त क्या क्या होगा? इसे गुणज कहते हैं, सार वो गुणज। गुणज क्या होगा 16 का? 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, 64, 96 और पढ़ते चलिए 16 आपका, 16 का मैंने क्या लिखा? इसको चाहे 16 का गुणज कहिए, चाहे 16 का पहाड़ा कहिए, चाहे 16 का अपवर्त कहिए। 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, 16 × 4 = 64, 16 × 5 = 86, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, 16 × 8 = 128, 16 × 9 = 154। अब उसी तरह 24 से लिख लें, 24 × 1 = 24, 24 × 2 = 48, 24 × 3 = 96, 24 × 3 = 72, 24 × 4 = 96,
24 बच्चे 120, 24 छक्का 140, 24 अट्ठे 168। अब हमें ये देखना है वह सबसे छोटा लस का फुल फॉर्म क्या हुआ, लघुत्तम समापवर्त। वह सबसे छोटा कौन सी संख्या है जो 16 और 24 दोनों से बड़ी। हमें पता चला 48, 48। ऐसे दिखेगा और भी है 96, 96, 144, 144। किंतु सबसे छोटा वह कौन सा समापवर्त है जो 16 और 24 दोनों से विभाजित हो रहा है। तो हम ये पाते हैं कि दोनों से जो विभाजित होने वाला नंबर है वो क्या है, 48। 48 एक ऐसी संख्या है जो 16 से भी और 24 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 144 भी होगी, 96 भी होगा, किंतु हमें लेना क्या, सबसे छोटा। सबसे समझ में आया, कोई डाउट को बेहतर समझ लीजिएगा कि इससे बेहतरीन तरीके से और नहीं समझा जा सकता। इससे बेसिक अगर यहां मैथ नहीं सीख पाए आप, बाकी समझदार है। एक तीसरी विधि का, ये तीनों विधि अगर आपको समझ में आ गई होगी तो कुछ और आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे बढ़ने का मतलब एक ऐसी विधि बताएंगे जहां से दोनों से एक साथ निकाल सकते। समझ में आया, चलिए आगे बढ़े। चलिए बेटा इसको अगर यह कह दिया जाए कि लस और मस दोनों निकालिए तो कैसे निकालेंगे, एक कई क्वेश्चन में लस भी निकालिए और मस भी निकालिए, कैसे निकालेंगे बताएगा कोई। लस और मस जो निकालने की विधियां हैं, जो लस हम निकालते हैं या जो मस हम निकालते हैं वो अलग अलग निकालते हैं, एक बार लस निकालते हैं एक बार मस निकालते हैं, किंतु हम आप ये प्रयास करेंगे कि एक ही में लस और मस दोनों। किसके पास परीक्षा में समय है, आपके पास, मेरे पास समय नहीं होता। तो अब लस अलग मस अलग, तो दो विधि का इस्तेमाल करते हैं हम अमूमन, एक गुणनखंड विधि दूसरा। तो सबसे पहले किस विधि का प्रयोग किया जाए, एक विधि तो आपको पता है गुणनखंड विधि, वो बता ही देते हैं। 16 का गुणनखंड 2 × 4 × 8 × 16, 24 का गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 3। अगर HCF निकालना हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखेंगे कौन सा ऐसा पद है जो दोनों में, तो हमें प्राप्त होता है 2 × 2 × 2 = 8। हमारे 16 और 24 का जो मैसा निकला, जो HCF निकला, वो 8 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 8। अब अगर इसका लेसर निकालना हुआ LCM, तो हम देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर गुणनखंड है जो दोनों में सबसे ज्यादा है। हम देखते हैं 16 में 2 4 बार है क्योंकि 24 में 3 बार, 4 बार वाला लिखेंगे कैसे, 2 × 2 × 2 × 2, नीचे वाले 3 बार, 4 बार लिखेंगे, क्या बचा अभी 3 × 3 कर लिया, कितना हुआ 16 × 3, तो LCM कितना निकलेगा 48। समझ में आ गया, लिखते चलिए समझते चलिए, नहीं आप लोग को टाइम लगता है तो मेरी वीडियो की टाइमिंग बढ़ जाती है ना, समस्या हो जाता है। ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां से, कोई समस्या हो तो बताइएगा। और आगे आए, एक होता है भाग विधि, क्या भाग विधि से भी लस और मस एक साथ निकाले जा सकते हैं, हाँ कैसे बताएं। देखिए ये हो गया 16, ये हो गया 24, यहां तो नहीं दिखता, ये हो गया 16 और 24। अब 16 और 24 हो गया, इसे हम एक ऐसी संख्या से काटिए, 2 या 3 जितने भी नंबर देगा, ऐसी नंबर से काटिए जिससे ये दोनों विभाजित हो जाए, 16 भी कट जाए और 24 भी कट जाए। क्या कट गया, 16 और 24 दोनों। तो दोनों काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, छोटी संख्या का, तो 2 ऐसा है जिससे ये भी कट जाएगा, तो 2 से मैंने काट दिया 8 हो गया, और तो जिस संख्या से ये दोनों कटते हैं वह इसका मस होता है। ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या से दोनों पद कटेंगे, 3 पद 4 पद जितना पद देगा, अगर जितने कटते जाएंगे वह सब क्या होंगे, मस होंगे। अब आगे फिर 2 से देखिए, फिर दोनों कट गया, 2 × 4 = 2, अब भी 2 मैसा ही हुआ। अब देखिए अब भी 2 से कट रहा है दोनों,
दो से काटा, दो दूना चार, दो तीन छह। लेकिन अब दो से अलग तीन से अलग कटेगा, तो जहां तक दोनों कटेंगे, ध्यान दीजिएगा बात को, यहां तक का हो गया मैश। माने क्या हो गया आपका, दो गुड़े दो गुड़े दो बराबर आठ, अस्सी एफ। अब इसके आगे कैसे कटेगा, जैसे लगाते ऐसे लगाते चलिए, फिर दो एक का दो तीन बचा, तीन एक का तीन, तो अब ये हो गया दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े तीन बराबर अड़तालीस, एलसीएम। तो एक ही में हम लस और मश निकाल सकते हैं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या, सावधानी का मतलब यह है कि ऐसे नंबर से काटिए जिससे दोनों तीनों पद कट जाए। जहां तक दोनों तीनों पद कटेंगे वही उस संख्या क्या होगा, मश हो, बाकी जो बचा हो लस। लस की तरह लगा दिए तो एक ही में हम लोग लस और मश दोनों निकाल सकते हैं। ठीक, अभी कुछ और सीखते हैं हम लोग, कुछ ये छूट गए हैं ना। अब हम लोग को मुझे ऐसा लगता है अगर इन दोनों संख्या का गुणा कर दिया जाए तो देखिए लस और मश प्राप्त होता है। तो हम लोग देखिए एक पहेली खेलते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग को याद नहीं करना है, समझना है, बेसिक समझ। और अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर लस का गुणा मश में कर दे, लस गुणे मश बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या, अगर इस तरह से करते हैं क्या राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड आता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या मिल गया आपको, एक फॉर्मूला मिल गया, एक डिफिनेशन मिल गया। क्या मिला फॉर्मूले में, लस गुणे मश, लस कितना था 48, मस 8, पहली संख्या 16, दूसरी संख्या गुणा करें चेक कर लिए, 8 अठे 64, 8 चौक 32, 36, 38, दूसरी तरफ 16 चौका 64, 4 मतलब 6, 16 दूनी 32, 6, इधर भी 384, इधर भी 384, माने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब एक फॉर्मूला मिल गया, ये वो फॉर्मूला सिखा गया क्या कि लस गुड़े मस बराबर पहली संख्या गुड़े, माने यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुड़े, माने किन्हीं दो संख्याओं का जो लस मस होता है वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। प्रश्न पूछ दिया, मान रख दीजिए एक को एक्स मान लीजिए, अब पूछ दिया एक संख्या 16 दूसरी संख्या 24 है, अगर उसका लस 48 है तो मस क्या होगा, मस एक्स माना, इधर गुड़े में उधर गया बटे में हो गया, लस दिया है मस पूछा है, मस दिया है लस पूछा उधर चला गया। कभी कभी दोनों संख्याओं को गुणनफल दे देता है, कहता लस इतना तो मस क्या, तो जो गुणनफल को लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कहेंगे, इसको चार फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, एक का ही लाइन में सॉल्व करना है, हमें यही याद रखना है लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी, बस इससे ज्यादा आपको नहीं, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई होंगी तो एक बात हम और बता देते हैं, सारा टॉपिक खत्म। एक प्रश्न दे देता है, जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 16 और 24 को पूरी तरह विभाजित कर देगी, तो बड़ी से बड़ी कहा। अब प्रश्न उठता है इसमें लस निकाले कि मस, तो 8 वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो 16 और 24 दोनों को पूरी तरह विभाजित कर ले, दो भी करेगी चार भी करेगी 8, लेकिन 8 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 16 और 24 दोनों को पूरी तरह विभाजित कर देगी, सही बात है। तो अब देखिए जब कहता है बड़ी से बड़ी, उत्तर आया छोटा छोटा। अगली बार देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 16 और 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, अब फिर गलती लसा निकाले कि मस, फिर छोटी से छोटी कह दिया तो वह सबसे छोटी संख्या 48 है जो 16 और 24 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, वह सबसे छोटी 48 है, मैंने बताया अभी 96 भी है 144 भी है जो 16 और 24 से विभाजित हो जाएगी, किंतु यह 48 सबसे छोटी, मैंने जब सबसे छोटी कहता उत्तर क्या आता है, और जब सबसे बड़ी कहती उत्तर क्या आता है, बस जहां सबसे बड़ी कहेगा वहां निकालेंगे लस है, जहां सबसे छोटी कहेगा सॉरी जहां सबसे बड़ी कहेगा वहां निकालेंगे लस है, जहां सबसे
हाँ, जहां सबसे बड़ी कहेगा वहां निकालेंगे मस, जहां सबसे छोटी कहेगा वहां निकालेंगे लस। बस कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, कभी दिक्कत ही नहीं होगा। अब वह बड़े से बड़े माप क्या होगी, इसमें एक ग्वाला 16 लीटर और 24 लीटर दूध को माप सके। बड़ी से बड़ी कहा मस, एक 16 मीटर और 24 मीटर लंबे कपड़े को वह बड़े से बड़ा पैमाना क्या होगा जिसे दोनों फीते से नाप दिया जाए। मस, बस कॉन्सेप्ट क्लियर। किंतु एक जगह उलझ जाएंगे, कहा बता दो, कह दिया वो पांच अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 16 और 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब कहेगा पांच अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या निकालेंगे, तब ऐसा नहीं निकालेंगे। ऐसे सोचिएगा कि जो पांच अंक की संख्या है, दी गई संख्या तो छोटी होगी बड़ी, छोटी होगी बड़ी, पांच अंक की कहा 16 24, बड़ी होगी तो क्या निकालेंगे लस, क्योंकि भाई लस 16 24 से अधिक आया। जब संख्या देख के पूछे कि पांच अंक की छोटी संख्या या पांच अंक की, जब गुमराह करने के लिए संख्या शब्द का प्रयोग कर दे चार अंक की पांच अंक की, तब क्या करेंगे, तब भी लस ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समझिए बात को। कह दिया कि वह पांच अंक की छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 16 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, और छोटी छोटी कह दिया, क्या कहेंगे, लस निकालना। अगर ये बड़ी से बड़ी कहते तब नहीं, तब भी लेस, क्योंकि जो उत्तर आएगा वो 16 24 से ज्यादा होगा। जब अंक की बात करे, चाहे चार अंक की बात करे, चाहे तीन अंक की बात करे, चाहे दो अंक की बात करे, कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ दिया 600 से लेकर 900 के बीच, मतलब दी गई संख्या से अगर उत्तर ज्यादा आने की संभावना है, सदैव क्या लगाएंगे, लेस निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब भी आपको लगे कि जो उत्तर आएगा वो दी गई संख्या से ज्यादा विकल्प ज्यादा है, तो अपने आप निकाल दीजिए क्या, लस। बस कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया, आया समझ में ना। अब कह दिया वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 16 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेष बचे। बात को ध्यान समझिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 16 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेष बचे, तो तब भी क्या निकालेंगे, लेस। लेस निकालेंगे कितना आएगा, 48। लेकिन जो 48 होगा वह 16 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, किससे, तो हम क्या करेंगे, कह रहा दो शेष बच जाए, तो शेष कब बचेगा, उसमें दो जोड़ दीजिए, जब दो जोड़ देंगे, जब जब भाग देंगे तब तब शेष बचेगा, अन्यथा पूरा पूरा कट जाता, 50 हो गया उत्तर, समझ में आ रहा है। लेकिन कभी कभी यह क्या देता है कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें पांच जोड़ दिया जाए तो वह 16 24 से विभाजित हो जाए, फिर निकालेंगे लस। जब लसन निकालेंगे 16 24 का, जब क्या कहे, क्या जोड़ दे तो घटा दीजिए, क्या घटा दीजिए, 48 से 5 गया, कहीं 43 को भाग देंगे तो नहीं कटेगा 16 24 से, जब तक तो 5 नहीं जोड़ेंगे। प्रश्न यही कह रहा है वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 5 जोड़ देने पर 16 24 से विभाजित हो जाए, जब जोड़ने के लिए कहे तो घटा दीजिए, जब शेष लिए कहे तो जोड़ दीजिए। बस कॉन्सेप्ट क्लियर, क्लियर हुआ। कभी कभी एक प्रश्न और आ जाता है कि तीन नंबर दे देगा ए बी सी डी, मतलब चार नंबर, से मुझे अंक तो नहीं आते, क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आते, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 72, मैं कोई भी नंबर लेता हूं, एक्स वाई जेड, क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड या ए बी सी, तीन में से वह छोटी से छोटी संख्या या वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तीनों में भाग दिया जाए तो समान शेष बचे। सुनिए जी, ध्यान दीजिएगा, क्या ए बी सी, ए बी सी में किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान से, तो क्या करते हैं पता है, ए हो गया, बी हो गया, सी, इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, क्या देखेंगे, सबसे बड़ा कौन है, मान ली कोई भी अंक हमको इसे ए बी सी, तो जो सबसे बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, या तो ऐसे हुआ बीच वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड, अंक हो गया जो सबसे बड़ा माने फर्स्ट है, तो पहले फर्स्ट में सेकंड घटा देंगे, फर्स्ट माइनस एक नंबर को प्राप्त हुआ, माना एक्स प्राप्त हुआ, ठीक, फिर मझले में से सबसे छोटा घटाएंगे, मझला कौन है, सेकंड में से थर्ड घटाएंगे, तो सेकंड माइनस वाई प्राप्त हुआ, ठीक, फिर क्या बचा, एक और बचा है, एकदम बड़का से एकदम छोटका, तो फ
फर्स्ट में से थर्ड घटा दिए, क्या प्राप्त हुआ? जेड प्राप्त। अब इन तीनों का जो मैसा होगा यही प्रश्न का उत्तर होगा। बात समझ गया? वही प्रश्न दे दिया ए बी सी, कोई नंबर हमको नहीं याद आ रहा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तीन कोई नंबर दे दिया, जैसे क्या बताए, ज्यादा जल्दी प्रश्न वगैरह इससे नहीं मिलता। अभी नहीं मिल रहा, मैं आपको बता देता हूँ खोज के भी, ये जल्दी प्रश्न वगैरह खोजिए तो नहीं मिलता ना। हाँ हाँ, अब ऐसे याद नहीं है हमको, नहीं तो हम लगा देते। हाँ यार, हम बिना बुक के पढ़ाते हैं इसीलिए आदत बन गई है, नंबर हमको नहीं आता। देखिए कोई भी संख्या, जैसे कह दिया, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, इसे कह दिया 12, 36, 48, जेड बदल लीजिएगा तो क्या करेंगे, 48 में से एक बार पहले 12 घटाएंगे, एक बार 36 घटाएंगे, फिर एकदम बड़े में से मझले में से छोटा घटाएंगे, तीन नंबर में तीन संख्या प्राप्त, वही तीनों का जो मैसा होगा वही उत्तर। समझ में आया? हो गया, बता रहे तो कि तीन नंबर हो गया। अभी जो YouTube पे देख रहे हैं उसको लगा देंगे उत्तर गलत आया, मैं बना के लगा दूंगा क्वेश्चन। बात समझ रहे हैं ना? उनको लगेगा कि उसको पढ़ाने नहीं आता, गलत पढ़ा रहा है भाई, क्वेश्चन नहीं आता ना, वो क्वेश्चन बनाना पड़ता है। और तो माना कोई संख्या समझ लीजिए इसको, और एक क्वेश्चन आता है ध्यान दीजिएगा, जैसे 8 से भाग देने पर 7 शेष बचे, 9 से भाग देने पर 6 शेष बचे, इस तरह से आता है। तो क्या करते हैं, देखते शेष का अंतर क्या है, जैसे 8 में 7 गया 6, फिर 9 में से 7 गया 1, तो सबका अंतर एक आ रहा है, ऊपर वाले का निकाल लेंगे लस, वही एक जोड़ देंगे या घटा देंगे जैसा वो प्रश्न करे, बस इससे ज्यादा प्रश्न आते हैं ना इसमें। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आप क्या करेंगे, लस और मस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अगर ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह से तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको लस और मस लगा के बता दूंगा कि कैसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा पेपर का, वहां पे सॉल्व करिए क्वेश्चन। तो ये अगर समझ में आ गया होगा, किसी किताब से अगर प्रश्न लगाएंगे तो आराम से आप लगा लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ में आया, कि कॉन्सेप्ट प्रमुख, एक चीज छूट गया मैं वही बता दूं, मैं वही चीज भूल गया था वही मैं बता देता हूं, तो सारा लस मस एक वीडियो में खत्म हो जाएगा और आपको भी मजा आएगा। पूछता है भिन्न का लस और मस, इसका भिन्न का लस मस पूछता है, और ये पूछा भी आपके यूपीटेट में, और जब भिन्न का लस और मस पूछे तो करना कुछ नहीं है, अगर लस पूछ दिया तो अंश का लस हर का, जो जिसका पूछेगा अंश उसका, हर उसके विपरीत, ध्यान समझ रहे ना आप। अगर भिन्नों का लस पूछा तो अंशों का लस हरों का, और अगर भिन्न का मस पूछ दिया तो अंश का मस हर का लस, बस एकदम इजी। कभी कभी दशमलव पूछता है, दशमलव को भिन्न बदल के लगा दीजिए आप, इसका भी ट्रिक है, जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो मैं इसका भी ट्रिक बता दूंगा। उससे भी बड़ा ट्रिक है, बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन, 30 सेकंड मुश्किल से मुश्किल, चाहे जितना टफ क्वेश्चन हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरी तरह, कई किताबों से लगाना पड़ेगा, तब आप बता देंगे इसका मस इतना लस इतना। अब कोई जैसे 12, 15, 20 का लस कितना का 60 रट गया है, तो ऐसे आपको रटना पड़ेगा, रटना इतनी बार यूज करना पड़ेगा, तुरंत बता देंगे इसका लस ये है, मस संख्या ये है, इसी में अनुपात पे लगता है। मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, किंतु आपके यूपी टेट में इससे बाहर से प्रश्न नहीं आने, अगर इतना को समझ में आ गया हो तो बेहतर। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि तीन ट्रैफिक बत्तियां 7:20:00 पर एक साथ जलती है, यदि पहली बत्ती 36 सेकंड बाद, दूसरी 60 सेकंड बाद, तीसरी 48 सेकंड बाद जलती है, तो यदि तीनों एक साथ 7:20:00 पर एक साथ जले तो अगली बार तीनों के साथ कब जलेंगे, तो जानते क्या करेंगे, इन सेकंडों का निकालेंगे लस, जो लस आएगा वो आएगा सेकंड में, उसको बदलेंगे मिनट में। जैसे मान लिया गया 432 सेकंड को जब मिनट में बदलेंगे 60 से भाग देंगे, जितनी बार भाग चला जाएगा 7 बार जाएगा 12 से बचेगा, 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ देंगे 7:27:12 उत्तर हो गया। मैं एग्जाम्पल दे रहा था, एग्जैक्ट नहीं है, एकदम आसान, कि अगर तीन ट्रैफिक लाइट बत्तियां 36 सेकंड, 48 सेकंड और 60 सेकंड पे एक साथ जल अलग अंतराल पर जलती हैं, यदि तीनों एक साथ 7:20:00 पे जले अगली बार कब जलेंगी, कुछ नहीं करना है, तीनों का लस निकाल दीजिए, जो लस आएगा सेकंड में आएगा उसे बदल दीजिए मिनट में, मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग दीजिएगा, जो शेष बचेगा वो सेकंड, जितनी बार जाएगा वो मिनट,
उसी को ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे करते हैं देख लीजिएगा, ऐड करने का तरीका ये जैसे 7:20:00 एक साथ चली, अगली बार अगर 7:12 है तो लिखेंगे 7:12, तो 7:27:12 एक साथ चलेंगे। कभी कभी ये भी पूछता है एक ग्राउंड पर 3 धावक ABC 36 सेकेंड 40 सेकेंड 50 सेकेंड पे एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तीनों एक साथ दोबारा कब मिलेंगे? अगर 5 बजे दौड़ना शुरू किए बस लसन निकाल के जोड़ दीजिए, यह क्वेश्चन है बस। और माप से आता है इस सारे को अगर पैटर्न को समझ में आ जाएगा तो आप लस मस का उत्तर प्रदेश टेट उत्तर प्रदेश पश्चिम भर्ती लिखित परीक्षा को भी आराम से सॉल्व। एक क्वेश्चन में और बता दूंगा आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा जिसका नाम होता है सीटेट। सीटेट में पूछता है उसको लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज इसका मतलब होता है लस शब्द का प्रयोग करता है, सब समझ नहीं पाते लस निकालना मस बराबर लिखिएगा लस या एलसीएम हो गया। हाँ यही शब्द यूज करता है, एक ठौ लिख लीजिएगा सबसे बड़ा, ये छोटा बोले थे ना, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर में सर बाकी मैं क्वेश्चन आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मुझे ये नहीं पता चलेगा कितने लोग वीडियोस देख रहे हैं कितने लोग नहीं देख रहे हैं, तो टेलीग्राम आप लोग इंस्टॉल करिएगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, उसमें अपना अकाउंट बनाइएगा, उसमें सर्च करिएगा दुर्गेश DURGESHSIR स्पेस मत दीजिए, कुछ लोग स्पेस देकर सर्च करते हैं दुर्गेश स्पेस सर नहीं आएगा, दुर्गेश सर एक ही में होगा तब आएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश, ई लर्निंग विद दुर्गेश आप उसको ज्वाइन करिएगा, जैसे ही ज्वाइन करेंगे वहां पे मेरे नोट्स और वीडियोज आपको मिल जाएंगे। और जो ऑनलाइन रेगुलर मैथमेटिक्स की क्लास चाहते हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कोर्स, क्योंकि मैं अब मंडे से मैथ स्पेशल भी चलाने वाला हूं, तो वहां के लिए आपको 6306344367 पे आप जानकारी ले सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप करके आप चाहे जिस सब्जेक्ट के, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैथ स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग संस्कृत, तो उनके लिए स्पेशल अगर चाहिए क्लास तो उनको ये यहाँ पे उपलब्ध है, इस पर बात कर लेंगे, हमारे असिस्टेंट साहब है वो आपसे बात करके आपको बता देंगे कैसे आपको जुड़ना है। और इसकी इस सारे जो आप लोगों ने पढ़ा इसकी वर्कशीट आपको हमारे टेलीग्राम पे कल तक उपलब्ध हो जाएगी, कल का मतलब अगले दिन तक, अगले दिन मैंने आप लोग के लिए, अगले दिन लोग को जो वीडियो देखेंगे उसकी जब बात जाएंगे तब यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और ये मेरा सबसे बेहतर तरीका था जहां से पूरे फॉर्मेट को आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, किसी कोई परेशानी हो तो क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। बताएंगे कोई आप लोग कुछ पूछना है, कुछ नहीं पूछना है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद।